नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोए सावसाहूणं जय सर्वाज्ञ लोक लोकिक उडुवत देखे हस्तामल जो हाथ लीक जो सर्व विशेखे छहो दरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम दर्पण जेम प्रकाश नाश मल कर्म महातम परमेष्ठि पाचो परम मंगलकारी लोक में मैं नमो वन वचतन तियलाय आनंद सो द्यो धोक में। प्रशिक्षण शिविर की प्रातःकालीन मंगल बेला में यह हमारा सर्वप्रथम व्याख्यान है और इसमें हम अपने शुद्धात्मा की चर्चा करेंगे। पंच परमेष्ठी देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के साथ साथ अपने शुद्धात्मा के संवेदन के लिए इसका संवेदन इसका वेदन अनुभवन यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि संसार में दो ही तत्व उपादेय है। संसार में है तो सात तत्व, लेकिन वास्तव में उनमें दो तत्व उपादेय संसारी जीव के परिणमन की अपेक्षा है। स्वभाव से शुद्धात्मा ही नौ तत्वों में व्याप्त होता हुआ भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता वह उपादेय है, वह दृष्टि का विषय हो गया, ठीक है ना। और जो हमारी भूमिका में साक्षात शुद्धात्मा में स्थिरता नहीं है, शुद्धात्मा में जिसने अपनापन तो कर लिया है लेकिन शुद्धात्मा में एकाग्र नहीं हो पाता है, तो क्या करें साहब? क्योंकि पूर्व के अनादि के हमारे अभ्यास है कि हमारा ज्ञान कोई ना कोई गेय को जानता देखता रहता है, व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, नित्य नया नया ज्ञान चाहिए। हम अकेले में बैठ करके घंटों ध्यान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने जिस प्रकार घूमता हुआ पंखा, अगर ये चल रहे अभी तेज पंखे और कोई स्विच ऑफ कर दे तो क्या एक सेकंड में तुरंत रुक जाएंगे? कह रहे धीरे 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 पूर्व संस्कार वशात वह धीरे धीरे घूमेगा पहले और फिर धीरे से रुकेगा। उसी प्रकार से अनादि से हमारे उपयोग को ज्ञप्ति परिवर्तन का उपयोग को बार बार बदलने का दूसरे दूसरे गेयों को या पदार्थों को देखने जानने का संस्कार है, एकाग्र नहीं हो पाते हैं हम। संसार में सबसे बड़ा धर्म है ध्यान। अंतरंग तपों में सर्वश्रेष्ठ तप है ध्यान, और वह ध्यान जिनके प्रकट हो गया वे नियम से संसार को पार हो जाते हैं। जापे ध्यान सुथिर बने आवे ताके कर्म बंध कट जावे, वही रत्नत्रय को पाता है, वही सहज षोडश कारण को भा लेता है और सहज ही मोक्ष अवस्था को पा लेता है। तो पुरुषार्थ तो है हमारे स्वभाव में एकाग्र होना, लेकिन जब स्वभाव में एकाग्र नहीं हुआ जा रहा है तो सहज ही हम ज्ञप्ति परिवर्तन, कभी घर वालों को जानते हैं, कभी मकान दुकान को जानते हैं, कभी ललितपुर शिविर में आकर के और इधर की व्यवस्थाओं को देखेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, ज्ञप्ति परिवर्तन है ना। ज्ञप्ति परिवर्तन किसे बोलते? ज्ञान की पर्याय में नए नए गेय जानना, ये हो गया शास्त्रीय शब्द।
और व्यवहारिक शब्द में नए नए लोगों से मिलना, उनको देखना। संसार में जितने भी धनी लोग हैं ना, जो बड़े बड़े देश वाले हैं, अमेरिका, यूरोप, चीन, इंग्लैंड, सब संपन्न कंट्रीज हैं, उनके लोग जो कमा धमा के बैठे हैं तो क्या करते हैं कि भारत में आके इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, हवा, हमारे जयपुर में आके हवा महल देखेंगे। देखना जानना यही सबसे बड़ा संसार में सुख है। लेकिन हमने अनादि से एक एक गे को जानने के लिए इसे देखा, फिर उसे देखा, ये खाया, फिर दूसरा बदल के खाया, फिर ये तीसरा बदल के खाया, ये सूंघा, फिर दूसरा बदल के सूंघा। हमारे पास देखने जानने के इंस्ट्रूमेंट या आलंबन है पांच। पांच इंद्रियों के माध्यम से हम देख देख करके, जान जान के। इन पांचों में भी सबसे बड़ा देखने जानने वाला इंस्ट्रूमेंट है चतुर इंद्रिय वाला चक्षु, चौथे नंबर का है ना। स्पर्शन, रसना, घ्राण। स्पर्श से तो हल्का भा, ये ठंडा गर्म वगैरह, इनका ज्यादा आकर्षण नहीं होता। जिसको आदत हो जाती है ना धूप में रहने की, जिसको आदत हो जाती है सर्दी सहन करने की, उसे ये सर्दी गर्मी बाधा नहीं पहुंचाती। और जिसको एसी में रहने की आदत हो गई वो धूप में नहीं रह सकता। और जिसको धूप में रहने की अच्छी भरपूर आदत है और अभ्यास कर लिया है तो उसकी बॉडी वैसी इम्यूनाइज्ड हो गई, वैसे ही कल उसमें अवस्था में रहने में सुखी और सुव्यवस्थित रहती है। ये तो सब हम जैसे जैसे शरीर के संस्कार करते हैं वैसे वैसे शरीर ढलता जाता है। रोज जहर खिला खिला के हमने शरीर को, जहर को ही भोगने वाला, उसके खिलाफ मजबूत से खड़ा रहने वाला बना दिया है। अब कभी वह शोथ का भोजन कर लेता है तो बीमार पड़ता है। ऐसी हालत हो गई है, आदत हमने इस तरह लगा दी है इन इंद्रियों को कि जैसी अवस्था में ढलते हैं वैसी ढलता है। ऐसी आत्मा की अवस्था है, हमने अनादि से ज्ञप्ति परिवर्तन, ये देखूं, ये जानूं, ये सूंघूं। पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि इसने पूर्व में शक्ति अपने पुण्य के अनुसार पाई है, पूर्व कर्म के अनुसार सबको पर्याय में शक्ति मिली। एक इंद्री की शक्ति कितनी सी कि कुल्हाड़ी से काटा जाए तो भी पेड़ भग नहीं सकता। एक इंद्री की शक्ति सबसे कम, इल्ली को कोई अगर काटता पीटता है तो भागती है, चलती है, उसकी शक्ति थोड़ी ज्यादा हो गई। तीन इंद्रिय चींटी तेजी से भाग जाएगी, अगर उंगली लगा तो दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, गर्मी की आंच लगेगी तो चींटी अपना रास्ता बदल देगी। तीन इंद्रिय की ताकत और बढ़ गई। चार इंद्रिय वाले भौरे आदि देखते ही कुछ की संकट है तो उड़ जाते हैं। पंचेंद्रिय हम तुम, पहले असंगी, उसकी भी ताकत चतुर इंद्रिय की अपेक्षा बढ़ गई और संगी पंचेंद्रिय की शक्ति और बढ़ गई। साहब पांचों इंद्रियां विकास को प्राप्त हो गई और राजा मिल गया मन। यहां बैठे बैठे सुबह सुबह रोज हम सम्मे शिखर की वंदना करते हैं। 47 शक्तियों के माध्यम से चैतन्य को वेदते हैं, वो तो इस देह क्षेत्र में ही है। और अनेक प्रकार से अपने स्वरूप का गुणगान करते हैं, अनेक प्रकार से मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, ये सब स्वरूप की महिमा लाते हैं ना। और उस संबंधी अपने को आनंद सहज आता है। जो जिस प्रकार से चीजें देखता है ना उसको संबंधी तकलीफ या सुख दुख का वेदन होता है। निर्जरा अधिकार में पहली गाथा लिखते हैं, चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यग दृष्टि जन, जो इंद्रियों से करे वह सब निर्जरा का हेतु है। फिर बता रहे, देखो, सुख दुख नियम से हो सदा, पर द्रव्य के उपभोग से, अरे भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो। भाई हम सुख दुख भोगते हैं, किससे भोगते हैं? इंद्रियों से भोगते हैं, पर द्रव्यों से भोगते हैं। निमित्त अधीन पर द्रव्याधीन कथन करने की पद्धति है। मैंने अपने पुत्र को देखा और मुझे खुशी हुई, क्योंकि पुत्र में अपनापन है और उसमें उपादेयपना है।
मैंने देखा कि मुझे धन मिल रहा है, परद्रव्य है, पुत्र भी परद्रव्य है, धन भी परद्रव्य है, इन दोनों को देख करके उसमें उपादेयपना है और अपनापन है, तो खुशी हो रही है। सुख दुख को जीव बांधता है, हम कर्म बांधता है कहें या आगे वैसे कर्मों के उदय में नौ कर्म मिलेंगे और उन संयोगों में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, अर्थात साता असाता का वेदन करते हैं। जिसने जैसी इन कर्म प्रकृतियों को बांधा हो उसके अनुसार संवेदन चलता है और इसलिए जीव इन गेयों से सुखी होना मानता है। सबको जानूं, सबको सूंघूं, सबको चखूं, सबको देखूं, ये हमारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हमारे पास में शक्ति नहीं है। सबको देखने की शक्ति है क्या? हमारी शरीर की हालत ऐसी बनी है, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर में पर्टिकुलर समय तक हम इसमें एक्जर्शन मतलब मेहनत कर लेंगे, दिन भर आप सुन लोगे, दिन भर आप देख लोगे, तो थोड़े देर बाद ये शरीर थकान को प्राप्त होता है। देवगति में थकान नहीं होती, और पुण्य कर लिया उन्होंने, उनकी शक्ति और बढ़ गई, थकान को प्राप्त होता है। तो हम अपने ज्ञानादिक का पॉइंट मंद करते हैं, जैसे पंखा लंबा लंबा चलता रहे तो वो रेगुलेटर गर्म हो जाएगा, उसके अंदर का कॉइल गर्म हो जाएगा, तो थोड़े देर पंखे को बंद कर दोगे तो व्यवस्थित चलने लग जाएगा। ऐसे ही कोई मशीन एक्स्ट्रा चला चला के इंजन गर्म कर दिया, कार चलाते ही जा रहे तो कह रहे कि वह गर्मी के कारण अव्यवस्थित हो जाएगी। ऐसे ही हमारे इस क्षयोपशम ज्ञान की शक्ति ऐसी है कि हम जानते ही जा रहे, अभी पूजन कर ली, फिर स्वाध्याय कर लिया, फिर पूजन, फिर स्वाध्याय, सुबह अभी 5:15 से क्लास शुरू कर दी और रात को 11 बजे 10 बजे तक चलती है ना, तो इतने देर तक कंटिन्यूस जानते रहने पे शरीर और उपयोग भी थकता है। योग और उपयोग, मन वचन काय की शक्ति है वह योग है, इनके निमित्त से हमारी शक्ति व्यक्त हो रही है। और उपयोग यह जानने देखने की ताकत है, उपयोग आत्मा का गुण है, ज्ञान दर्शन, और योग वह आत्मा में परिस्पंदन होने की, वह भी आत्मा की ही शक्ति है। योग और उपयोग, निश्चय योग या शक्तिभूत योग आत्मा के वीर्य गुण के उघाड़ का क्षयोपशम को कहते हैं, और द्रव्य योग हमें मिले मन वचन और काय कि भाई संवनन मिला, हल्का फुल्का असंप्राप्त सुपाटिका और किलित के बीच का जिनको मजबूती से मिलता है, वज्र वृषभ नाराज संवनन, उनकी ताकत और विशेष होती है, उनके सिर पे अगर सिगड़ी जलाई जाए तो बेहोश नहीं हो। और हमारा संवनन ऐसा कि हम 10 सेकंड अगर गर्मी के मतलब आग के संपर्क में रहेंगे तो हमारी नर्वस सिस्टम की नसें दिमाग को सिग्नल देगी कि अरे यह अग्नि जाला जानने में आ रही है, और स्ट्रोक होकर के बेहोश हो जाएंगे। हमारे जानने देखने की क्षमता लिमिटेड है, और जिनके संवहनन उत्कृष्ट है उनकी क्षमता अधिक है, विशेष है, तो वे उपयोग को बदल के ध्यान करते। इसलिए उत्तम संवहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, संवहनन की जरूरत बताई है ना। तो बात तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ वहाँ देखकर जानकर सबको सूंघकर अपनी शक्ति के अनुसार उससे सुखी होना मानते हैं, परंतु वास्तव में यह सुख का सच्चा स्वरूप नहीं है। सबको लोकालोक को जानने की कला कैसे प्रकट होती है? तो कह रहे कि उसके लिए हमें देव के पास जाना है, अरहंतों के स्वरूप को समझना है, जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम यह आज सिद्ध कर रहे हैं कि हमें एक एक गेय को जानने से कोई सुख नहीं होता, हमें तो एक ऐसा गेय चाहिए कि जिसके माध्यम से सबको जाना जाए, और वह गेय है मेरा शुद्धात्म स्वभाव। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होने पर ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते होकर के केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसकी बात हम यहाँ समझ रहे हैं। तो देखो, यह पहले तो समझ लो कि हम इस संसार में दो तत्वों को उपादेय मान रहे हैं, उसमें शुद्धात्मा शाश्वत उपादेय है
और भूमिका अनुसार आश्रव तत्व में शुभाश्रव कथनचित किंचित आश्रय करने की अपेक्षा। भाई शुद्धात्मा में नहीं रह रहे तो किस में लोगे आश्रय? शुद्धात्मा में अरु पंच गुरु जग में शरणा दो, दो शरण है साहब। अगर आप ज्ञप्ति परिवर्तन कर रहे हो, बार बार बहिर्मुख हो रहे हो, आत्मा में स्थिर नहीं रह रहे हो, यह ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा जानने में आ रहा है आबाल गोपाल को, निरंतर अनुभव में आ रहा है, लेकिन फिर भी इस पे एकाग्र नहीं हुआ जा रहा है, अहमपना अपनापन करने का शांति का वेदन सदा चलता है, मैं करोड़पति हूं यह जिसे मान्यता है और करोड़ रुपए उसने देख लिए है ना, तो भले साथ में नहीं हो तो भी उसे उसकी खुमारी रहती है, ऐसे ही जिसने तत्व निर्णय तत्व विचार पूर्वक कर लिया कि मैं वह शुद्ध आत्मा हूं कि जिसके चिंतन मात्र से, जिसको एक बार ज्ञान का गेय बनाने मात्र से महान शांति का वेदन होता है, सुखी हुआ जाता है। वह उपयोग बाहर में रहे या अंतर में रहे, लेकिन अपनापन अपने में है, तब तक अनंत अनुबंधी का असदभाव अनुदय होने से उसे सुख शांति तो सदा है सम्यक दृष्टि को, लेकिन अनुभूति के काल में जैसी शांति है वैसी नहीं है, एकाग्रता में विशेष शांति है। जिस प्रकार जिसने लड्डू खाया है उसे लड्डू का ज्ञान है, श्रद्धान है, लेकिन साक्षात लड्डू खाता है तो चारित्र जन्य संवेदन होकर सुखी होता है। ऐसे ही जिसने शुद्धात्मा का ज्ञान है, श्रद्धान है, लेकिन साक्षात जब अपने स्वरूप में एकाग्र होता है तो परम शांति सुख का अनुभव करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर शुद्धात्मा में नहीं रह जा रहे हो, भाई पूर्व कर्म बांध के आए हैं, सबके औदयिक भाव जुदे जुदे हैं, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी सर्दी में जाना आना होगा, ज्ञप्ति परिवर्तन चाहेगा, मन कहता है कि चलो साहब प्रवचन हो गया, आप थोड़ा सा दूसरे गेय को भी देखें, मुनिराज तो गेय भ्रमाते नहीं है, स्वगेय में संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए लिखा कि वे अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते, और हमारी इच्छा होती है कि साहब अभी स्वाध्याय हो गया, अब थोड़ा सा लोगों से बात कर लें, थोड़ा सा भगवान को भक्ति करें, या और उपयोग बदलने के साधन, थोड़ा किताब देखें, थोड़ा स्टॉल देखें, कौन सा साहित्य आया है ना, हमारी रुचि है आत्मा में, लेकिन ज्ञप्ति परिवर्तन चाहती हुई है, और मुनिराज की रुचि उस ज्ञप्ति परिवर्तन को और लिमिटेड कर दिया है, तो इसलिए हम देखो ये बहुत गहरी और एक विवादास्पद बात कह रहे हैं कि छद्मस्त ज्ञानी को त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा सर्वथा श्रद्धा में उपादेय है, लेकिन चारित्र की भूमिका कमजोर है तो वह पंच परमेष्ठी के शरण को भी आश्रव शुभाश्रव है, जो कि पंच परमेष्ठी की भक्ति शुभाश्रव है, आश्रव तत्व है ना, भक्ति करना, पूजा करना, दान देना, दया करना, शील पालना, अनेक प्रतिज्ञाएं लेना, अनेक प्रकार के संयम करना, चारित्र से भी हम जो करते हैं तो वह शुभोपयोग के ज्ञान और श्रद्धान की क्रियाओं को करते हैं, क्रिया तो शून्य है लेकिन उसके पीछे के परिणाम जो हैं वह हमें फलदायी होते हैं। तो चंचल जिनका चित्त है, अपन उसमें चंद्र प्रभु पूजन में भी बोलते हैं ना, चंचल चित्त को रोक चतुर गति चक्र भ्रमण निर्वारू, चारु चरण या चरण चतुर नरे चंद्र प्रभु चित धारू। भाई चंचल चित्त है तो चतुर गति है, चंचल चित्त को रोक चतुर गति चक्र भ्रमण निर्वारू, चंचल चित्त है तो चतुर गति का चक्र भ्रमण नियम से होगा, और चंचल चित्त जितना जितना एकाग्र हो रहा है वह उतना उतना संसार से शीघ्र मोक्ष जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए एकाग्रता ध्यान को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया। आपने जिन बिंब है ना,
ये सब ध्यान की तो मुद्रा के मंदिर हैं। हमारे जिन बिंब ध्यान मुद्रा के धारक हैं, अन्यों के अन्य बिंब जो अन्य अजैन बिंब हैं, वे भय के रौद्र मुद्रा या फिर अनेक प्रकार की शस्त्रादि के साथ, कुछ काम मुद्रा वाले भी हैं साक्षात, कि भाई काम वासना जिसको देख करके हो जाए, देवी देवांगना साथ में, तो अनेक अनेक प्रकार की मुद्राओं में ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा एक ही है। अंतर्मुख होना यह ध्यान मुद्रा है, और ज्ञान मुद्रा क्या है? कह रहे हैं कि ज्ञान मुद्रा भी स्वरूप में एकाग्रता से, किताब पढ़ना यह ज्ञान मुद्रा थोड़ी है। बहिर्मुख मुद्राएं तो हो सकती है कि आप उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा बनाएंगे, अभी क्षेत्रपाल जी में देखी होगी ना आपने, उपाध्याय परमेष्ठी की भी बनी, देवगढ़ की तो जग प्रसिद्ध है, उपाध्याय परमेष्ठी की, पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं बन जाती हैं, जिसमें अरहंत परमेष्ठी की प्रतिमा सदा आश्रयभूत रही है, सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा भी अकृत्रिम जिनालय में पाई जाती है, कहीं पे अरहंतों का उल्लेख आता है अकृत्रिम प्रतिमाएं, और कहीं पे वे सिद्ध परमेष्ठी की हैं ऐसा उल्लेख आता है, चिन्ह रहित और अरहंतों के बिंब हैं ऐसा भी कहा जाता है, और ऐसा भी उल्लेख आता है कि वे सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमाएं हैं। समो शरण में मान स्तंभ पर अरहंतों के बिंब होते हैं, सिद्ध परमेष्ठी के नहीं होते, और अकृत्रिम जिनालयों में सिद्ध परमेष्ठी के बिंब होते हैं ऐसा भी उल्लेख मिलता है। जैसे वो पूजन वगैरह भी है ना कवियों ने रची है, तो उसमें दिया है, स्वयं सिद्ध जिन भवन मई रतन मई विराजे, है ना, तो ऐसे ये दिया है, ये आगत नागत वर्तमान 24 का है। ऐसे ही कवि लाल आदि ने जो वर्णन किया है, तो उन्होंने सिद्ध परमेष्ठी की पूजन में अकृत्रिम जिन बिंबों को अर्घ देने के लिए और अर्घ के लिए उनका स्वरूप वर्णन किया है। तो अकृत्रिम प्रतिमाओं में सिद्धों की भी प्रतिमा होती है, वह अरहंताकार ही ठोस होती है, और अरंत है, वह अरंत रूप से है, उसमें कोई बाधा ही नहीं है। तो इनकी मुद्रा जो है वह ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान होने के बाद में आपने सब लोकालोक जान लिया है, तो आप ऐसे आंखें खोल खोल के देखने की मुद्रा में नहीं रहोगे। नेत्र खुले रहना वह इंद्रिय मुद्रा है, चक्षु, आगम चक्षु साहु। भाई साधुओं की मुद्रा कौन सी है? साधुओं की मुद्रा ज्ञान ध्यान मुद्रा, दोनों मिक्स चलती है उनकी। आगम पढ़ेंगे, आगम का चिंतन करेंगे, आगम पढ़ने वाले लिपिबद्ध शास्त्र तो अभी पंचम काल की देन है, चतुर्थ काल में तो आपने हमें सिखाया, उन्होंने उन्हें सिखाया, और उसी करके एक पाठी द्वे पाठी जैसे सबको याद हो जाता था। और यहाँ पंचम काल में अकलंक स्वामी एक पाठी निकले, दो पाठी निकलंक स्वामी, हम तुम अपने पाठ का ज्ञान ही नहीं कर पाए कि कोई बोले कि मैं 100 बार सुन लूँ तो याद हो जाए। हम तो उसे कहते कि तुम भी एक पाठी हो, कि तुम्हें जब कोई तिलक करता है ना विदाई, विदाई में इन्होंने साहब 111 ही रुपए दिए थे और सब जगह हमें 1100 मिले, तो हम क्या याद रखते हैं, एक बार में याद रह जाता है। शादी ब्याह में तो खूब चलते हैं ऐसे राग द्वेष की, इन्होंने व्यवहार 11 ही रुपया लिखवाया था, अब 25 साल हो गए, 11 रुपए की कीमत नहीं रही, तो अब फिर भी 11 ही रुपए देगा, सब इन्होंने 11 ही दिए थे हमें। हाँ, धारणा में बना रहता है, एक पाठी हो जाते हैं, जहां कषाय जुड़ती है वहां एक बार में याद होता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जिन मंदिर ध्यान और ज्ञान मुद्रा के प्रतीक है, ज्ञान मुद्रा में भी सम्यक ज्ञान, द्वादशांक का ज्ञान यद्यपि सहज हो जाता है, लेकिन उसमें शुद्धात्मा में उपयोग लगाने के लिए, शुद्धात्मा का संवेदन करने के लिए जो मुद्रा होती है वो हाथ पे हाथ रखे रहना, जैसे पद्मासन की या खड़गासन की, आसन कोई भी हो, नियम से ज्ञान, ये नेत्र जो रहेंगे वो बहिर्मुख नहीं रहेंगे, अर्धोन्मिलित रहेंगे या बंद रहेंगे। 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय है जिसे हम ढक्कन लगा के बंद कर सकते हैं, इच्छा अनुसार प्रवर्तन आते हैं, देखना है तो मैं देखूं, आपको नहीं देखूं तो आंख बंद करके बैठा हूं, लो सब संपूर्ण गेयों को देखना जानना बंद आंखों से, मन तो चालू ही है, मन को बंद करने की कोई विधि नहीं है, मन को ढक्कन नहीं लगा सकते आप,
ज्ञान का स्वभाव साकारो ज्ञानम सविकल्पो ज्ञानम है। इसलिए हमें शुद्धात्मा सदा सर्वदा उपादेय है, आश्रय करने के लिए, श्रद्धा के लिए, प्रकट करने के लिए भी। लेकिन जब बहिर्मुख भूमिका है तो शुद्धात्म अरु पंच गुरु, जब चंचल चित्त हो रहा है, नहीं रह पा रहे हम भगवान के सामने, एकाग्र होते हैं भगवान के सामने तो थोड़े देर एकाग्र होते हैं, फिर लगता है दूसरी प्रतिमा देखो, एक टोक पे वंदना कर ली सम्य शिखर की, फिर दूसरी टोक की आगे की इच्छा होती है, क्योंकि अनादि से ज्ञान ने ज्ञान को परिवर्तन के संस्कार दे रखे हैं। अब हमें उसे शुद्धात्म सन्मुख होकर एकाग्र होकर अपने ज्ञायक का संस्कार देना है, और वह सुख के अनुभव के साथ होता है। जहां सुख मिलता है वहां जीव उस गेय में एकाग्र होता ही होता है, बिना सिखाए। मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज तो मैं बराबर उसके प्रति एकाग्र होऊंगा, बिना सिखाए जहां जहां सुख का वेदन है वहां वहां ज्ञान दौड़ा दौड़ा जाता है। जिसने स्वाधीन सुख को प्रकट प्रकट कर लिया उसे फिर परगेय की आवश्यकता नहीं रहती, और उसके वह सहज योग्यता बनती कि लोकालोक उसके आत्म स्वभाव में, आत्म स्वभाव में मतलब आत्मा के ज्ञान की पर्याय में, आत्म स्वभाव में भी झलकते हैं लोकालोक। बनारसीदास जी ने इसी में नाटक समय सार में छंद लिखा कि भाई तीहूं काल जामे प्रतिबिंबिते अनंत रूप, आप ही अनंत सत्ता अनंत ते सरस है। आत्मा का स्वरूप लिखते हैं कि तीनों काल मतलब भूतकाल में भी, भूतकाल में तो मैं संसारी ही हूं, जो यहां पर बैठा है वो भूतकाल में मोक्ष में था क्या, नहीं था। आज हम यहां है मतलब भूतकाल का संसार नियम से रहा। तो तीहूं काल जामे प्रतिबिंबिते अनंत रूप, भूतकाल में मेरे आत्मा में अनंत गेय झलकते हैं। कहां झलक रहे साहब, वर्तमान में झलक रहे हैं। आप उतना स्थिर तो हो, चंचल चित्त है, स्थिरता के साथ में नियम से ज्ञान, जिस प्रकार ग्लास में हिलता हुआ पानी हो तो उसमें मिट्टी होगी तो धूल 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 हो रही है, और अगर वही ज्ञान ग्लास का पानी थोड़े देर के लिए शांत होकर रख दो तो वह मिट्टी नीचे आ जाएगी, ऊपर निर्मल जल आ जाएगा। उसी तरह से वर्तमान में भी हमारे ज्ञान में चंचल हिल्लोरे सदा चल रही है। अरे तू शांत होकर दो घड़ी निजनाथ के पास बैठकर तो देख, तुझे सुख का संवेदन भी होगा, और तीन काल के गेय तेरे में जो साक्षात झलक रहे हैं, योग्यता में झलक रहे हैं लेकिन पर्याय में नहीं झलक रहे हैं। स्वभाव हमारा केवल ज्ञान स्वभाव ही है, लोकालोक को जानने वाला स्वभाव है मेरे में, लोकालोक को झलका रहा हूं मैं स्वभाव में, लेकिन वह स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं हो, उसकी यथार्थ एकाग्रता नहीं हो, श्रेणी योग्य भूमिका नहीं हो, तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। पर्याय में ढक ढका का ढका है, रत्न के ऊपर धूल आ गई है, आईने के ऊपर धूल आ गई है, लेकिन उस आईने में लौकिक उदाहरण के इसमें तो आईने के ऊपर धूल आ जाए तो कुछ नहीं झलकता, लेकिन हम कह रहे ये ऐसा आयना है कि अंदर सब झलक रहा है, तुम्हें धूल हटाना है और सब लोकालोक को देखना है। तो तीहूं काल जामे प्रतिबिंबिते अनंत रूप, तीनों काल भविष्य काल में होंगे ही होंगे, केवल ज्ञानी बनना ही बनना है, नियम से, नियम से बनना है कि नहीं बनना है भाई। अभी जब परिणाम चढ़ते हैं तो हमें तो लगता है कि ये मोक्ष तो सामने खड़ा है और हम तो अभी प्राप्त हो जाएंगे। भाई रुचि जिसकी तीव्र है, कोई भी बात करता है, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट बोलता है एग्जाम मैं ले आऊंगा 100%, आप तो अभी लो मेरी परीक्षा, मैं तो तैयार हूं इस विषय पे। हाँ, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ऐसे ही हमें पूछता है कि तुम्हारे कितने भाव बचे हैं, साहब मैं तो इसी भाव में मोक्ष जाऊंगा, अरे पंचम काल में तो होता नहीं है। अरे वो रुचि का जोर शक्ति के मार्फत बोलता है कि मैं तो अभी तैयार हूं मोक्ष जाने, मुझे किंचित भी संसार से रुचि नहीं है, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव की रुचि हो गई, उसके सामने सब रुचियां फेल हैं। तो इसलिए यहां पर हम जो सुबह की चर्चा करेंगे, विषय दिया गया है देव शास्त्र गुरु,
तो देव शास्त्र गुरु में हम प्रवचन सार की 80वीं गाथा से समझेंगे कि भाई स्थापना तो कर दे गाथा की। जो जान दी अरे हंतम दवत गुणत पज्जय तेहिम सो जान दिया पाणम मोह खलु जादी तसलयम। अरहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानना और उनके साथ में अपना मिलान करना। जो अरहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है सो वह अपने को आत्मा को अपाणम, अप्पा मतलब आत्मा, अप्पा सो परमप्पा ये सूत्र है। आत्मा का स्वभाव की बात होती तो आत्मा सो परमात्मा यह सूत्र बनाया जाता है। कल आदरणीय सुमत जी भाई सब बता रहे थे ना, आत्मा कहना और जीव कहना, जीव कहने में सभी आ गए और आत्मा कहने में मैं अकेला, वो भी मेरा शुद्ध तत्व आया। क्योंकि हम तो समय सार के पाठी हैं, आत्मा शब्द से शुद्ध आत्मा ही लेना, ध्रुव स्वभाव ही लेना और उसके आश्रय से सुख शांति प्रकट होती है। इसलिए देव की भक्ति कैसी करनी चाहिए इसको हम सुबह के सत्र में लेंगे। आज का अपना समय हो गया है। आदरणीय दादा की अभी सीडी भी चलेगी, सीडी या क्या वो चैनल पे चलता है ना, अरहंत चैनल, तो उस चैनल से यह आपके लिए यहाँ पे अभी उनका व्याख्यान भी रहेगा। कल से हम बराबर 5:15 बजे से शुरू कर देंगे। तो हम यही विषय लेंगे कि अरहंतों को किस प्रकार से देव के हम दर्शन किस प्रकार करें, देव का स्वरूप क्या है, निश्चय से व्यवहार से और उनकी ध्यान मुद्रा से हम अपने स्वरूप का ध्यान कैसा करें, उनके चिंतन, उनका तो केवल ज्ञान में हो गया, उनको चिंतन शब्द नहीं लगता, क्षयोपशम ज्ञान में चिंतन होता है, केवल ज्ञान में अवलोक संपूर्ण लोकालोक देखना जानना, उनमें कौन सा शब्द लगाएं, कुछ नहीं लगा सकते हैं, शब्दातीत है। और भी विशेष चर्चाएं अपनी क्रम से आएगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनवाणी स्तुति करके विराजमान कर देते हैं, फिर यहाँ पर अभी अरंत चैनल का दादा का व्याख्यान शुरू होगा।